दोस्तों आप कि इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्हाट्सएप के जैसे मैसेजिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जैसे आप जाओगे वहाँ से आपको एक ऐप सर्च करना पड़ेगा जिसका नाम है सिग्नल। ठीक, सिग्नल ऐप को जैसे आप सर्च करोगे आप सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो देख सकते हो इसके दिन प्रतिदिन इसके डाउनलोडर बढ़ते जा रहे हैं। जब मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे केवल 5K लिखा था, लेकिन आज मैंने दूसरे तीसरे दिन मैंने इसको देखा तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 10 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत से अभी डाउनलोड होंगे, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि व्हाट्सएप की जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो बहुत ही अलग से आ रही है। तो आपको उसमें नहीं मन कर रहा है कि आप उसे एग्री करें तो आप उसे व्हाट्सएप को छोड़ करके आप इस ऐप पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सभी लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप भी इंस्टॉल कर लो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप जैसे इस ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे टैग प्राइवेसी विथ यू बी योर सेल्फ इन एवरी मैसेज, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक किया आपको परमिशन मांगेगा, तो आप इसकी परमिशन दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ की परमिशन दे देना। परमिशन देने के बाद सबसे पहले आपको अपना नंबर डालने के लिए कहेगा, हो सकता है ऑटोमेटिक आपका नंबर मिल जाए, तो आप अपना नंबर यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालनी पड़ेगी। देखो ये ओटीपी मेरी आ चुकी है, मैं ओटीपी डाल देता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक भी ओटीपी लग जाती है। तो जैसे आप ओटीपी डाल दोगे आपके सामने ऐसे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका ये देखो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपनी एमपिन सेट कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आप कुछ भी एंटर अल्फा न्यूमेरिक पिन, उसके बाद आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने डाल दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ सारा चीज़। तो देख सकते हो ऐसा आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जो कि बिल्कुल ही अच्छा इंटरफेस है, व्हाट्सएप से तो अच्छा ही है। तो हो सकता है ये कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा हो, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा हो। तो जिनको नहीं पसंद आ रहा है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे इंस्टॉल करो। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे अपने एडिट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपका लोडिंग लेगा। जितने भी मोबाइल में सारे नंबर होंगे ना सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आपकी कीपैड मिल जाएगी, यहाँ पे आपका डॉट है, डॉट पे क्लिक करने के बाद एक रिफ्रेश न्यू ग्रुप और इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है सर्च पे। सर पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे अपना कोई भी नंबर डाल दीजिएगा, जो जो चलाता होगा उसका नंबर डालोगे तो आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एक ये है, इनका नंबर आ चुका है, ये चलाते हैं इस ऐप को। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भी लिखकर भेज देना। हाय, मैंने भेज दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये जा रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे एक टिक लगी, इसके मतलब ये मैसेज जा चुका है। अगर ये देख लेंगे तो आप यहाँ पे दो टिक लगी दिखाई देगी, यहाँ पे दो टिक लगी दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप बता दूँ तो आप उसमें से यहाँ पे आप अपने प्लस वाले एक्शन पे क्लिक करके आप अपनी कोई भी फोटो डाल सकते हो। यहाँ पे GIF फाइल कॉन्टैक्ट लोकेशन और यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपनी कोई भी फोटो डाल सकते हो, तो फोटो वीडियो कुछ भी। और यहाँ पे अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे टू सेंड ऑडियो मैसेज अलाउ सिग्नल एक्सेस टू माइक्रोफोन, आप इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, उसके बाद आप इसे परमिशन दे देना, उसके बाद आप इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एडिट करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू ग्रुप मार्क एड इनवाइट फ्रेंड। तो सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे आप जैसे क्लिक किया आपको यहाँ पे अपने नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। नेम के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपना नेम चेंज कर सकते हो। नेम चेंज करने के बाद यहाँ पे कैमरे का आइकन मिल जाएगा, आप यहाँ से अपना वो बदल सकते हो फोटो। तो यहाँ पे टैग फोटो चूज फ्रॉम गैलरी रिमूव फोटो, आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने सेंटर पर आएगा। तो यहाँ पे SMS एंड MMS ऑफ है, तो इसे मैं वाईफाई कॉलिंग ऑन कर देता हूँ। उसके बाद डिलीवरी रिपोर्ट, यहाँ पे वाईफाई सुविधा भी देगा। ठीक, अगर आपके पास जियो की सिम है और आप वाईफाई कॉलिंग करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी है, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उसका दिखाई देगा आपको, यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉल का नोटिफिकेशन, इवेंट कॉन्टैक्ट ज्वाइन सिंगलेट, कोई भी इवेंट करना चाहो तो अपना। तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन, उसके बाद स्क्रीन सिक्योरिटी, इनकॉग्निटो कीवर्ड, ऑलवेज रिले कॉल्स, रीड रिसिप्ट, टाइपिंग इंडिकेटर्स, जनरेट लिंक रिव्यू, ब्लॉकेड यूजर्स, यहाँ पे अपने जो भी ब्लॉक यूजर होंगे वहाँ पे देखें। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे, मैंने अभी किसी को ब्लॉक नहीं किया क्योंकि ये न्यू ऐप है, अभी बहुत से कम ही लोग जुड़े हैं। तो यहाँ पे अपने पिन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अलाउ फॉर एवरीवन, एनेबल सिलेक्ट सेंटर फॉर इनकमिंग मैसेज फ्रॉम नॉन कॉन्टैक्ट एंड पीपल विथ होम यू हैव नॉट शेयर टू यू प्रोफाइल। तो आपको जो ऐप नहीं है वहाँ से आप यूज नहीं करते हो वो भी आप देख सकते हो। ठीक, तो आपको बैक करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा
अपीयरेंस, यहाँ पे मिल गया है थीम जो कि लाइट है, इसको आप डार्क भी कर सकते हो, मैं कर दिया, देखो यहाँ पे डार्क हो चुका है, तो आप इसे लाइट भी कर सकते हो क्योंकि लाइट में आ रहा है, तो इसको मैंने डार्क भी कर दिया। ये है इंपोर्टेंट सेटिंग, और यहाँ पे अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी, इंग्लिश सिस्टम लैंग्वेज और यहाँ पे हिंदी, हिंदी आपको दिखाऊँ, देखूँगा कि नहीं हिंदी, हिंदी है, देखो हिंदी मैंने कर दिया, अभी यहाँ पे आपको बैक आना है, देखो ये पूरे हिंदी में हो चुका है, ठीक। चैट और मीडिया, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, मैसेज फॉन्ट आकार साधारण भी है, छोटा बड़ा आप कर सकते हो, दर्ज किया भेजना है, एंटर को जी दबाकर टेक्स्ट मैसेज भेज जाएंगे, बैकअप चैट करें, अपनी चैट को बैकअप भी कर सकते हो, यहाँ पे टर्न ऑन कर देना, उसके बाद बैकअप सक्षम करें, मैंने क्लिक कर, उसके बाद सक्षम के क्लिक कर देना, ठीक। तो यहाँ पे दर्ज की भेजता है, सिस्टम इमोजी का उपयोग करें, इमोजी भी इसमें मिल जाएगी, नियंत्रण संकेत दिखाएं आपको, रोमिंग करते समय कुछ नहीं, मोबाइल डेटा का उपयोग करते समय तस्वीरें ऑडियो, ठीक, ये कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद स्टोरेज भी मिल जाएगा आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका स्टोरेज 0 भी, कोई भी यूज़ नहीं किया है, एकदम न्यू ऐप है, कोई भी जुड़ा नहीं है, आप अपनी मदद भी ले सकते हो, यहाँ पे अधिक का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट अकाउंट, अपने अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो, सिंगल मैसेज और कॉल्स, यहाँ पे अपना एडवांस पिन सेटिंग, डीबग लॉग जमा करें, ठीक, आपको कोई भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप अपना बता दिया नाम भी कैसे चेंज कर सकते हो, उसके बाद अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे अपना सर्च कर लेना कोई भी चीज़, ठीक, जैसे मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे आ चुका है, दो दो नाम आ चुके हैं जो कि है मेरे कॉन्टैक्ट में, ठीक, मैंने आपको बता दिया सारा चीज़, सभी को पढ़ा दिखाया, तो ये थी, आप यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, यहाँ पे फोटो और वीडियो कैप्चर करने के लिए कैमरे को सिग्नल अनुमति दें, उस पर आप जैसे करोगे अलाउ कर देना, अलाउ करने के बाद आपका कैमरा चालू हो जाएगा, तो देख सकते हो जैसे आप इस पर कैमरे पर क्लिक करोगे कैमरा आपका चालू हो जाएगा, आप अपनी गैलरी से भी कोई भी फोटो लगा सकते हो, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना कैमरा इधर से उधर कर सकते हो, आगे पीछे यहाँ पे अपने फोटो खींच सकते हो, बैक कर देता हूँ मैं, सारा चीज़ हो गया ना, मैंने आपको फुल स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड बताई है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ऐप के बारे में जान सकें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।